हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है फिर से संडे और आज फिर से है व्लॉग की तैयारी। अभी वेट कर रहे हैं हम क्षितिज भैया का और क्षितिज भैया आने वाले हैं यहाँ पे मेरे स्टोर के बाहर एज़ यूजुअली, क्योंकि पहला असेंबलिंग पॉइंट रहता है मेरा स्टोर। तो यहाँ से आ रहे हैं क्षितिज भैया, क्षितिज भैया के साथ में चलेंगे शेखर दादा के पास में। तो क्षितिज भी आ चुके हैं यहाँ पे और अब है तैयारी निकलने की यहाँ से। तो करते हैं अपनी धंधों को स्टार्ट। वल्ला हबीबी एंड राइड कभी भी। तो गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज है संडे और चलिए वी आर ऑन राइड ऑन बीस्ट मोड। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। तो अभी निकल रहे हैं हम लोग दिल्ली रोड के लिए और अभी हम हैं गुलाब जी चाय वाला। तो मैं दिखाता हूँ कौन कौन आया है आज, फिर तो चलते हैं। यहाँ आई हमारी 48 अनूप भाई, छोटू बना, उमंग भाई, स्वामी नितेश भाई। वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग हैं अभी एक बहुत खूबसूरत जगह पे जिसका नाम है आमेर फोर्ट। और ये जो लोकेशन है ये थोड़ी सी छुपी हुई है और जैसे आप लोगों को पता है हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी भी एक्सप्लोर किया है ये छोटा सा प्लेस जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फोटोज आते हैं, आपको भी दिखाते हैं। आगे तो बोलो। इन आमेर महल, तो आमेर महल से पहले ये गेट आता है, गेट से जस्ट पहले ये स्लाइड है जहाँ से हम लोग आए हैं और यहाँ चारों तरफ आपको दिखेगी ग्रीनरी, फॉरेस्ट एंड हेरिटेज। तो यहाँ हमारी मस्ती चलते हुए अभी। तो ये गेट जाता है मंदिर की तरफ, मंदिर मुझे नहीं पता कौन सा है बट लोकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ खड़ी है बाइक्स और बाइक्स के साथ में भाई लोग। तो ये हमने एक्सप्लोर कर लिया और अभी हम लोग चल रहे हैं हाईवे डायरीज जहाँ पे करेंगे अपना संडे ब्रंच और आज की राइड को देंगे अंजाम। जब इधर ही चढ़ा दे तो फिर उसमें चढ़ाओ, वही चढ़ा रहा है उसमें लगा लो। ये कहाँ चढ़ा रहे हो भाई, तो चली जाएगी, स्टार्ट करके ले लो, अब तो आ जाएगी, चली जाएगी, थोड़ी लेफ्ट लो, अब तो चली जाएगी हमारी हिमालय। छोटे नारगढ़ के ऊपर और सामने है हाईवे डायरीज, आप लोगों को दिख जाएगा सामने हाईवे डायरीज है जहाँ पे हमारी बाइक्स खड़ी हैं और हम हैं जस्ट उसके सामने एक पहाड़ पे और ट्रैकिंग थी, ये ट्रैकिंग करके आ गए ऊपर और ये बापूजी के तीन बंदर बैठे हुए हैं बतियाते हुए आपस में।
तोड़ेंगे तोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे मेरी जी तेरी जी तेरी हार मेरी हार ऐसा अपना प्यार इसे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे ओ जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। थे पहाड़ के ऊपर जब हम आए थे तो एक एक बंदर मौजूद था। पूरी वानर सेना है हमारे सामने और इन लोगों का काफिला दूर तक जा रहा है। ये देखें सब कुछ है लेकिन सुकून देगा अंदर जाके दिल्ली के तक सब छोड़ दो लोग बात देख रहे हैं कुछ नहीं कर रहे सब बात भूल जाओ। तो हम वापस नीचे उतर रहे हैं अभी। भाई लोग ध्यान से उतरना। तो तुम बैठ बैठ के उतरो फिर। देखो ऐसे उतरो ऐसे यूं यूं संजय भैया। अरे ऐसे उतरो भाई टेढ़े। भाई लोग ये है नितेश भाई की जवानी का राज। मतलब वो वही आ गया शाम में आ गया भी 10 किलोमीटर हो गए हैं। हनी अरे सुनो लेमन और जिंजर का भी जिंजर इसी में है। और ये रहे नितेश भाई मेरी सेहत का राज। इनकी उम्र 62 साल है मगर ये कहीं से भी देख के आपको लगेंगे नहीं ये 62 साल के हैं। सही बात। तो यही है ना आपकी जिंदगी का राज। आज की राइड की फूड की बात करें तो लोगों के लटके हुए चेहरे बता सकते हैं इनका क्या हाल था। खाके भी भूखे बहुत स्वादिष्ट खाना खाते ही मजा आ गया। ऐसी जगह की लोगों को रिकमेंड करने लायक और खाके भी भूखे पहली बार रहे ये देख सकते हैं आप। 4 डिजिट में खा लिया फिर भी शक्लें लटकी हुई है। अमेरिकन पराठा लोगों की बच्चे खुचे हुए पीसेस और चिराई भैया नींद का आनंद लेते हुए। नितेश भाई बताएंगे फूड कैसा था। चला जाता हूँ किसी के धुन में धड़कते दिल के लराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। लोगों अब है टाइम निकलने का क्योंकि राइड हो चुकी है ओवर और पीछे है हमारे हाईवे डायरी। निकलते हैं यहाँ से पहुँचते हैं जयपुर और आज के ब्लॉग को करते हैं ख़त्म।